बुरा ना मानो, होली है। आज ना छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चित्रा, मैं तुम्हें रंगों से भिगोने आ गई हूँ। बहुत सारी मस्ती हो रही है ना, देख रही हूँ। शगुन, आज दिन भर से आपका यही चल रहा है, आप मुझे रंग लगाइए, गुलाल लगाएं, या फिर कितना भी रंग है होली के रंग में, लेकिन बाबा जी जैसी होली शगुन आपने नहीं खेली होगी आज तक। बाबा जी? कौन बाबा जी? अरे भाई, अपने जो स्वदेशी वाले बाबा जी हैं, हवाई प्लानिंग कर रहे हैं वो रंगों के साथ, खूब मस्ती भी हो रही है उनकी। जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, रारा रारा रा। योगा वोगा छोड़ छाड़ के बेचू शैम्पू तेल, योगा योगा छोड़ छाड़ के बेचू शैम्पू तेल, और बाबा जी का धंधे का तो मस्त चल रहा खेल, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा जी। बाबा जी अरे ये क्या है भाई? योगा प्रणाम बाबा जी। अच्छा यू बाबा जी, ये क्या आपने विदेशियों के साथ में डील कर ली? इसको पकड़ो और इसको पढ़ो। बाबा जी अंग्रेजी नहीं आती? क्लिप क्लिप कार्ड। हाँ क्लिप कार्ड, और कार्ड से बनता है बुलक कार्ड। ओह नो, बुलक कार्ड यानी कि बैलगाड़ी। शाबाश शाबाश, अब बैलगाड़ी क्लिप कार्ड, बैलगाड़ी मतलब एकदम स्वदेशी। तो हमारी डील भी स्वदेशी हुई ना। पकड़िए, मान गए गुरु। भाई देखो, इन विदेशियों ने हमसे सैकड़ों सालों तक मेहनत मजदूरी कराई। हाँ? अब बाबा इनसे बदला लेगा। बदला लेंगे? हाँ? वो कैसे? भाई देखो, ये क्लिप कार्ट वाले विदेशी अब मेरा यानी पतंजलि का सामान ढोएंगे, और ढोने से होता है, होता है। कितना ढो रहे हो? मेरा मतलब बाबा जी, समझ नहीं आ रहा, चार साल से आप लोग कह रहे थे विदेशी काला धन ढो के लाएंगे, कभी नहीं लाए। भाई देखो देखो बच्चा, मोदी जी ने क्या कहा? मित्रों मित्रों नहीं, उसके आगे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों नहीं, नहीं, अभी उसके और आगे क्या कहा था? आगे का भाषण मैंने नहीं सुना। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापिस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? भाई विदेशियों से ब्लैक मनी वापस लेकर आएंगे। हाँ कहा तो था, कहा था ना। हाँ। तो भाई पहले तो ब्लैक मनी विदेशों में जाने तो दो, तभी तो हमारे मोदी जी वो ब्लैक मनी वापस लेकर आएंगे। वाह बाबा जी वाह, क्या प्लानिंग है। भाई देखो, प्लानिंग से ही होता है और प्लानिंग से ही होगा। अरे अरे, बाबा के माइंड में तो और भी बहुत ढेर सारी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग? हाँ। क्या क्या? भाई जैसे कि मैं आयुर्वेदिक मोबाइल बनाऊंगा, और कपड़े बनाऊंगा। कपड़े? हाँ। आप क्या टेलर बनोगे? नहीं, मतलब सलवार सूट सिलोगे? बिल्कुल स्वदेशी। स्वदेशी? हाँ। मतलब कपड़ों में काली मिर्च? अरे वाह। अब भाई मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि हवाई जहाज हर्बल बनाऊंगा। हर्बल हवाई जहाज? हाँ। मतलब बोर्डिंग पास के साथ में दो इलायची के डब्बे मिलेंगे? गोबर गैस वाले? एकदम शुद्ध स्वदेशी। क्या बात है बाबा जी, फिर एक बार हो जाए। जो गिरा सारा गिरा, जो गिरा सारा गिरा, जो गिरा वो का छोड़ छाड़ के बेचू शैम्पू तेल। वाह, बुरा ना मानो होली है। चित्रा, बुरा ना मानो होली है, स्वदेशी वाले बाबा रामदेव की जय हो। बाबा जी आप धन्य हो, रंगों के साथ आपके हवाई प्लानिंग की धार। बाबा जी लगता है ये आपके योग का कमाल है। और नहीं तो क्या शगुन, बाबा जी योग विद्या के माहिर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे होली पर हमारे शिवभक्त राहुल भैया और मोदी जी भी पूरे फॉर्म में हैं। अगर आपने इनकी होली नहीं देखी तो फिर समझिए कुछ भी नहीं देखा। जय शिव शंकर, मैं काटू तेरे चक्कर। जय जय शिव शंकर, मैं घूमू मंदर मंदर, इलेक्शन तेरे नाम पे लड़ा। ओ फिर हारेगा तू ना वोट पाएगा, ओ तू जो पहले मंदिर न गया, ओ सौरभ दी। और जय जय शिव शंकर, मैं घूमू मंदर मंदर, के भगवान तेरा नाम ही लिया।
राज्य मुझसे तो छिनते हैं। ऐसा ही होता है जब मुझे से मिलते हैं। अरे एक एक कर सारे राज्य मुझसे तो छिनते हैं। ऐसा ही होता है जब ये बाहुबली मिलते हैं। स्टेट सब गए पांच के नीचे जी मैं आ गया। सौरभ दी जय जय शिव शंकर मैं घूमू मंदर मंदर इलेक्शन तेरे नाम पे लड़ा। फिर हारेगा तू ना वोट पाएगा ओ तू जो पहले मंदिर ना गया ओ सौरभ दी। बुरा ना मानो होली है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं और ये और रंग मिल गए। थोड़ा सा मेरी तरफ से भी। और शगुन आज ऐसा लग रहा है ना कि पूरे भंग का रंग चढ़ा हुआ है आपके ऊपर पूरी तरीके से। वैसे चित्रा राहुल और मोदी जी की ये ठिठोली तो चलती रहेगी। राहुल जी पिचकारी से निशाना बनाएंगे तो मोदी जी गुब्बारे फेंकेंगे। वो तो ठीक है शगुन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मोदी जी और राहुल जी की तो होली निराली है ही, लेकिन गुलाल से होली खेलने का केजरीवाल जी का जो अंदाज है ना वो दुनिया से निराला है। पूरे भारत में किसी और का रंग नहीं है वैसा। केजरीवाल जी अरे अरे केजरीवाल जी वहां कहां छुप रहे, इधर आइए इधर आइए। अरे अरे भाई धीरे बोलो भाई पुलिस आ जाती है। अच्छा अच्छा अब धीरे से ये बताइए आपके विधायकों ने सेक्रेटरी साहब को चांटा मारा क्या ये सच है? नहीं 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 थप्पड़ नहीं मारा जी चांटा नहीं मारा नहीं तो नहीं मारा। तो और क्या मारा जी? उन्होंने गुलाल मारा था उनके गाल पे। वो चक्कर क्या ना वो होली आ रही है ना गुलाल जी हाँ गाल से गुलाल मिला ओ ओ ओ ओ गाल से गुलाल मिला ऐसे कर रहे थे वो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देखो जी गॉड अल्लाह भगवान जीसस किसी की भी कसम खिला लो मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि उन्होंने गुलाल ही लगाया था चाटा नहीं मारा। लेकिन सेक्रेटरी साहब तो आपसे बहुत गुस्सा है उन्हें आप कैसे मनाएंगे? मना लेंगे जी हमारी सरकार उनके लिए स्कीम लेकर के आ रही है जी एक स्कीम। कैसी स्कीम? वो ये जी कि उनका इलाज हमारे मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त होगा। और बताऊँ? बताइए बताइए। उसमें क्या है कि हमारे MLA अगर किसी के भी अब ऐसे ही मतलब पाइप वगैरह मतलब गुलाल वगैरह लगाएंगे उनका इलाज हमारे मोहल्ला क्लिनिक में एकदम मुफ्त किया जाएगा। मुफ्त 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 इसे बोलते हैं ईमानदार सरकार। लेकिन सेक्रेटरी साहब तो कह रहे थे कि आपके विधायकों ने उन्हें चांटा मारा था। भाई आप देखिए क्या है कि वो चेक कर रहे थे कि विधायक साहब को गांधी जी की शिक्षा पता है या नहीं। गांधी जी की शिक्षा मतलब ये कि वो चेक कर रहे थे कि वो गांधी जी के फॉलोअर हैं कि नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना दूसरा गला नहीं दिया तो इसका क्या मतलब होता? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो गांधी जी के फॉलोअर नहीं है। वो गांधी जी को फॉलो नहीं करते हैं। वो हिंसक आदमी है। वो हिंसक उतराता आदमी। लेकिन सेक्रेटरी साहब तो कह रहे थे कि आपके विधायक बहुत हिंसक थे और आपने अपनी आंखों के सामने उन्हें पिटने दिया। आप ये बेतुका सवाल कर रहे हो और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। ये भाई मैं गांधी जी का फॉलो मैं गांधी जी का मंदिर हूँ। मैं ना बुरा सुनता हूँ ना बुरा देखता हूँ ना बुरा कहता हूँ। और आओ भाई आओ क्या कर रहे हो आओ लेके जाओ ना भाई इधर। ये लोग कौन है? अरे ये आप लेकर के जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे ये होली खेलेंगे आपके साथ गुलाल लगाएंगे। मुझे नहीं खेलनी होली गुलाल ध्यान से लगाना। हाँ भाई बाकी तो मोहल्ला क्लिनिक है फ्री में इलाज हो जाएगा। हैप्पी होली। बुरा ना मानो होली है। आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। शगुन मुझे लगता है ना अरविंद केजरीवाल को ये जो थप्पड़ मार होली है उसका आइडिया मथुरा के लठ मार होली से आया होगा। वैसे चित्रा केजरीवाल की बात तो केजरीवाल ही जाने लेकिन चित्रा अगर आज होली है तो कुछ खाने पीने की बातें भी तो होनी चाहिए। गुजिया लेकर आओ। अरे जलेबी भी लाना। लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। लेकिन इस बार नौजवानों की जो पसंद है वो पकौड़े हैं। और आखिर हो भी क्यों ना मोदी जी ने पकौड़े का मंत्र जो दिया है। पकौड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है। पकौड़ा बनाना बहुत ही कौशल है भाई।
है जाम किधर पकोड़ा, है जॉब किधर पकोड़ा, मिला है अभी पकोड़ा, देखा न कभी पकोड़ा, बढ़िया कढ़ाई पकोड़ा, दिल्ली से आई पकोड़ा, मेहनत लगाई पकोड़ा, चटनी बनाई पकोड़ा। क्या इंजीनियरिंग की डिग्रियां लोगों ने पढ़ने से पकोड़ा तलने के लिए करिए। शिक्षित युवा करे पुकार, हमको चाहिए रोजगार। देश के युवाओं को तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप पकौड़े बेचिए, 200 रुपए कमाइए। अफगान जलेबी पकौड़ा तलेगी, लीडर है तेरा दीवाना। भैया भैया करछी हिला के जो पकौड़ा तलेगी, हमको भी जरा सिखाना। भैया 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 भैया, नौकरी के नाम पे पकौड़े तलूंगा, मैं तेरे संग तलूंगा, मैं पकौड़े तलूंगा। जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़ा बना रहे हैं, पकौड़े बना बना के लोगों ने हल्दीराम भी खोले हैं, पकोड़े बना बना के लोग आगे भी बढ़े हैं। मोदी जी के कहने पे अप्लाई करूंगा, हमें ये जॉब करूंगा, ठेले पे पकौड़े तलूंगा। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, भाई वाह भाई वाह भाई। बुरा ना मानो होली है। मोदी जी आप धन्य हैं, महान हैं। मन की बात करते करते जब से आपके दिमाग की बत्ती जली है, देश में जॉब की बहार आ गई है। कल तक जो नौजवान बेरोजगार थे बाबा, आज वो पकोड़े बेच रहे हैं, गर्मा गर्म वो भी। बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, मोदी जी का आइडिया देश में नई क्रांति लेकर आया है। जो कल तक बेरोजगार थे आज पकौड़े बेच रहे हैं, और इसमें अपने नेताजी यानी कि मुलायम दादा भी किसी से पीछे नहीं है। नेताजी पकौड़े तलो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी बेसन घोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। पकौड़े ले लो पकौड़े, मुलायम मुलायम पकौड़े आए ले तो लो यार, बढ़िया पकौड़े बनाए, ये ले लो पकौड़े। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी जिंदाबाद। आइए मोदी जी, मोदी जी। कहो मित्र, कैसा चल रहा है धंधा? अरे बस क्या बताएं, हमारे लड़के ने ना हमारी जिंदगी हाँ कर रखी है, क्या बताएं। लेकिन रोजगार आपका शुरू हुआ क्या? नहीं बोलिए, हुआ क्या? नहीं हाँ मतलब चुनाव के बाद से दिक्कत चल रही थी, इनकी वजह से हमारे रोजगार मिल गया, हम पकौड़े तल ले। ठीक है मतलब तो फिर इसी बात पे पकौड़े खिलाओ मोदी जी को। आप पकौड़े की दुकान पे पकौड़े क्यों नहीं खिलाएंगे, लेकिन एक बात है, अब हम चाहे हमारा लड़का हो या मोदी जी हो, पैसे जरूर लेते हैं। अरे वाह, हमारी वजह से पकौड़ा जॉब मिला है, और हमें ना कहते हो, जेटली जी से कहकर पकोड़ा सेस लगवा देंगे। आप तो बुआ मान गए, हम जी कहें कोशिश का है कि आप केवल 10 रुपए दो, हमारे पार्टी की मेंबरशिप ले लो, हमसे नाम नाम प्यारे प्यारे गम गम पकोड़े ले लो। ये लो 10 रुपए, इनके पकोड़े के पैसे दो, ये लो 10 रुपए। जी है गई साहब बात, खिला दो पकोड़े। जी है गई बात सही, तो हमारे पे ये रही, रुको साहब अभी देते हैं आपको। जी और साहब पकोड़े और साथ में हरी चटनी। हरी चटनी? हाँ हरी चटनी। तो भगवा, मोदी जी सिर्फ भगवा चटनी ही लेते हैं। अरे साजी एक बार हरी चटनी खा के तो देखो, अगर तबियत हरी ना आ जाए तो नाम दे दियो माँ। हरी चटनी नहीं, कुछ और नहीं मिलेगा? और कुछ? हाँ है, क्यों ना है। जे लो साहब, जे रायता। पकौड़े के साथ रायता? देखिए साहब, ये वो रायता जो हमारे लड़के ने अखिलेश ने हमारी जिंदगी में फैलाया है, तो अब हम सबकी जिंदगियों में थोड़ा थोड़ा रायता बिखे। नहीं नहीं मतलब भांग वांग कुछ? अरे होली का दिन है भाई। बात दरअसल ये है कि चुनाव हारने के बाद हमारे कोई नशा चढ़ता ही ना है, इसलिए भांग वांग कुछ ना रखी हमने अब की बात। अरे नेताजी, हाँ अखिलेश आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अरे यार यहाँ पे भी आके मांगो। पिप्पी तुम एक काम करो, ये उठाओ सब ताम तो बड़ा, चलो यहाँ से दुकान हटेगी। आ गया यहाँ पे यार, ने जी हाँ मुश्किल कर रखा है। नेताजी बेसन गोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी पकोड़े तलो, जिंदाबाद पकोड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा ना मानो होली है। मोदी जी के पकोड़े वाले आइडिया ने तो होली की मस्ती दोगुनी कर दी है, वो मुझे दिख भी रहा है शगुन। वैसे सुना है जितने भी मोदी जी के मंत्री हैं, उन्होंने इस बार होली में भांग के साथ ही पकोड़ों का भी खास इंतजाम किया है। वही पकोड़े तो नहीं खिला रही आप मुझे? बिल्कुल सही कहा वैसे आपने, भांग के तो भोले बाबा भी बड़े प्रेमी हैं। कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हमारे मंत्री जी भांग के साथ पकौड़े खाकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, और इसी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया है शगुन।
अरे झटका जरा सा महसूस हुआ एक विकास की गाड़ी ने ऐसा मारा ब्रेक। हाँ हो गया हूँ मैं कंफ्यूज, मेरे मित्र महंगाई के आगे घुटने दिए टेक। भाई मैंने तो कर दी गलती से मिस्टेक, बड़ी भारी है कर दी गलती से मिस्टेक, कई सारी है कर दी गलती से मिस्टेक, भाई मैंने तो कर दी गलती से मिस्टेक बेटा। पहले GST लगाना, फिर स्लैब बढ़ाना, इन बिजनेस वालों की रगड़ के बाट लगाना। वो माल्यापुर हुआ गुरु सबका लोन उड़ा के, मैंने तो सेस लगाया उसके बगल वाले पे, नोटों पे भी बैन लगाया, फिर कॉमन पीपल को गली गली जम के दौड़ाया। खेलो वाला ललित भागा वो, हीरो वाला नीरव भागा वो। परसों तलक तू वादों पे घुमा है, ऐसे में मोटर साइकिल चला के देख। पेट्रोल ये तुझको अभी सस्ता लगे तो 100 से ऊपर तू टंकी भरा के देख। भाई मैंने तो कर ली गलती से मिस्टेक, बड़ी भारी है कर ली गलती से मिस्टेक, कई सारी है कर ली गलती से मिस्टेक, भाई मैंने तो कर ली गलती से मिस्टेक बेटा। बुरा ना मानो होली है। चित्रा होता है होता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, मगर आज किसी मिस्टेक की कोई चर्चा नहीं होगी। आज होली है, बस होली की बातें होंगी। बिल्कुल सच कह रही हैं शगुन आप, मस्ती का त्योहार है होली और आज इसीलिए हम किसी भी मिस्टेक की चर्चा नहीं करेंगे। आज तो सिर्फ रंगों की बात होगी, अरमानों की बात होगी। और अब जरा शगुन देखिए होली पर इन लोगों के क्या अरमान है। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, फिर भी हंगामा किया। थिएटर में कहीं भी लगे ना पद्मावत था, बस यही अरमान। दीपिका जी आप भी सुरक्षित रहिएगा, राजपूत क्षत्रिय है हाथ नहीं उठाएंगे, पर सूर्यपंखा की तरह नाक काटना अभी छोड़ा नहीं है क्षत्रिय ने। जो 5 करोड़ रुपए का उनकी गर्दन काटने पे इनाम की घोषणा करते हैं। डोले 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 ए ए, रोड पे डोले ए ए, थावा बोले बोले ए ए ए। घर से चले खाके कसम, फाड़ेंगे पोस्टर को हम। हमको भला रोके कोई, ऐसा है सिस्टम कहा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।